Hey guys, welcome back to another new video of as you remember कि हम last video में भी अपना एक PC build कर रहे थे, तो PC building का आज हम दोबारा से करने वाले हैं। आज के parts मुकम्मल हो गए हैं, तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप, ये है और ये लग गया है processor। processor में हम use कर रहे हैं AMD का A4 कौन सा है 5300 series का। तो इसमें ऐसा है कि बहुत आसान है लगाना, आपको बस ट्रायंगल ट्रायंगल से मैच करने हैं और मैच करने के बाद रख के बस क्लिप बंद। इसके अलावा अब हमें करना है इसको मदरबोर्ड को फिट अपने केस में जो वहाँ पड़ा है बिल्कुल नीचे, तो मैं आपको मिलता हूँ उसके अंदर फिट करने के बाद। बस रख के पेचेस लगाने हैं, सो आई विल मीट यू आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। सो गाइस वेलकम बैक, और एज यू कैन सी अंदर मैंने फिक्स कर लिया और सारे नेट वगैरह भी लगा दिए हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है। तो अब सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग बात लग रही है कि ये जो है ये केबल्स लगाना, लेकिन आई गेस मैं एक फ़ोटो ले आया हूँ खींच के, तो मैं उससे कर लूँगा ट्राई, नहीं लगा तो अपने से भी नेट वगैरह से देख लेंगे, उससे छोड़ें। तो अब सबसे पहले हमें हीट सिंक लगानी है, यहाँ पर हीट सिंक लगेगी तब ये कूलिंग करेगा, यहाँ पर एक्सटर्नल फ़ैन और सबसे पहले पावर सप्लाई। तो ओके एक काम करते हैं कि ये एक फ़ैन जो है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन होगा कैसे ये कनेक्ट, मेरा मुंह आ रहा है, कोई गाइस मैं बैकग्राउंड में कर लूँगा। और अभी करनी है मुझे PSU इंस्टॉल, तो मैं PSU इंस्टॉल करने के बाद आपसे मिलता हूँ इन अ सेकंड। तो गाइस वेलकम बैक, और अब बन गई है ये सारी, मैंने पावर सप्लाई लगा दी है यहाँ पे और उसकी वायर्स भी जोड़ दी हैं। ये वाली जो वायर मैंने लगाई है, इससे होगा कि जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस लगेंगी उनको ही पार करें, सच एज अ हार्ड ड्राइव और अगर आप सीडी रोम यूज़ करो तो उसके लिए। तो इसके अलावा बस अब हीट सिंक रह गई है, ये वाली जोड़नी है तारें, उसके बाद PC इज़ रेडी टू गो। तो अब मैं हीट सिंक लगाने वाला हूँ, हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो अगर आपको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए कोई मतलब चाहिए है टिप वगैरह, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। तो अभी ऐसे करके आया अभी मैं। सो गाइज हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो गई है, यहाँ पे प्रोसेसर की हीट भी लग गया है। सो गाइज सबसे जो इम्पोर्टेंट काम आपको करना है एक PC बिल्डिंग में प्रोसेसर के टाइम पे, वो है थर्मल पेस्ट ज़रूर लगानी है गाइज। अभी लिटरली मैंने हार्ड ड्राइव इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करके मैं चेकिंग पे जाने लगा था, रास्ते में मुझे आया था ओ मैंने तो वो लगाई नहीं थर्मल पेस्ट, तो वापस खोलना पड़ा। और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है थर्मल पेस्ट, तो ज़रूर लगानी है आपको थर्मल पेस्ट। सो अब बस एक ही काम रह गया इसमें कि एक्सटर्नल फ़ैन मैंने जो कहा था वो लगाना है, और PC इज़ रेडी टू गो, बस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और ये सारी वायर्स भी जोड़नी है। तो मैं कुछ रिसर्च वगैरह करता हूँ और इसको जोड़ता हूँ सबको, तो आई गेस मैं जोड़ लूँगा खुद ही, कुछ ना कुछ तो ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज एक अच्छी खबर है, बुरी खबर ये है कि मैं एक्सटर्नल फ़ैन नहीं लगा पाया क्योंकि मेरे पास उसके रिक्वायर्ड स्क्रूज नहीं थे। और अच्छी खबर ये है कि जो ये वाली वायर्स थी जो कि केस के अंदर लगी हुई थी वो मैंने खुद ही लगा ली हैं। तो बस PC रेडी है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है एंड इट इज़ रेडी टू बैम बैम बैम। तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, मतलब वो थम्स अप कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसके बेंच मार्क्स चाहिए तो वो भी जाहिर सी बात है कॉमेंट्स में फेंक दीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।